हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति मल्होत्रा। और आप सब कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ छोले की, काले छोले। एंड काले छोले हिंदी में बोलते हैं, हम लोग काले छोले बोलते हैं, आप लोग वो बोलते हैं काला चना। तो उसकी मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। एंड आप मेरे स्टाइल में सीखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं दो तरीके से बनाती हूँ। फर्स्ट तरीका जो आज मैं बनाने वाली हूँ, एंड सेकेंड मैं कभी और दिन शेयर करूँगी आपके साथ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, एंड उसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बनता ही है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। आज की रेसिपी धमाल मचाने वाली है, एंड मेरी फेवरेट है ब्लैक छोले। काले छोले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और आप पहले मैं गैस पर, आई नो ये थोड़ी गंदी हो रही है बट अब प्लीज़ उसे साइड करें, ओके। तो गाइस अब मैंने अपना कुकर रख लिया, यानी कि अच्छे से गीला था तो सूख गया है। एंड अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना सरसों का तेल। तो मैंने अब अपना सरसों का तेल डाल लिया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डाल गया हूँ उससे, तो मैं कम कर लेती हूँ छोटे उसमें, कुछ ज़्यादा ही डाल गया उससे। मैंने इसमें 5 स्पून डाली हैं बड़ी वाली, एंड ये काफ़ी ऑयल ठीक है इसके लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाती, बट तब तक ऑयल ही होगा तो फिर कैसे बनेगा, ओके। एंड ना मैंने इसमें अपना मसाला पीस लिया है मिक्सी में। इसमें प्याज है मेरा, और लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, ठीक है। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है पहले से ही, ठीक है। तो मैंने पहले से ही इसका पेस्ट बना लिया है क्योंकि ये अच्छे से बन जाए। एंड मैं इधर से अपने टमाटर चॉपर में अपने कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं अच्छे से इसमें चॉप कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 टमाटर डाले हैं अपने, मैंने 4 हैं, आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। ये अच्छे से आपको शो होगा, ठीक है, ठीक है गाइस, आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं इधर आपको शो करके दिखा दूँ। इसको चॉप को ऐसे करना है चॉपर को, अच्छे से चॉप हो गया है मेरा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अपना, ठीक है। तो देख इधर से ना धुआं अच्छे से आ रहा है मेरी इसमें, देखिए अच्छे से धुआं छोड़ रहा है। 3 सरसों का तेल डाला है। एक्चुअली हमारे घर में सारी सब्जियां सरसों के तेल में ही डर बनती हैं। हाँ तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो देन मैं इसमें अपना डाल रही हूँ, सिम पे कर लेती हूँ मैं गैस, एंड अब इसमें डाल देते हैं ऑनियन। जितना भी ऑनियन है ना मैं इसमें डाल देती हूँ सारा। स्पैचुला से ना एक्चुअली ये होता है कि सारा ना आ जाता है आराम से। हो गया, और मैं अच्छे से करछी ले लेती हूँ। करछी ले लिया मैंने, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छे से फ्राई हो रहा है तो मैं गैस को तेज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छे से ना इसको
गर्म होने देते हैं। एंड सबसे अच्छा तरीका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें, क्या अगर हमें अपने इसको मसाले को अच्छे से भूनना है और थोड़ा ज़्यादा, तो गाइस इसको अच्छे से भूनने के लिए ना अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक से ये क्या होता है, जल्दी ना भूनता है मसाला, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मसाले को देखिए मैं आपको शो करती हूँ, ये मसाला अच्छे से भुन रहा है मेरा, ठीक है। तो ये अच्छे से मसाले को भून लेते हैं, मैं आपको पूरा भून जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी बैक कैमरे से, ठीक है। तो ये मसाला अच्छे से भून जाए, अच्छे से भून जाए ये मसाला। एक्चुअली हमें ना प्याज को अच्छे से भूनना होता है मसाले को, मतलब प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च एंड टमाटर, इनको हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है। मेनली हमारा होता है मसाले एंड मसाला, जैसे ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च एंड धनिया, अदरक और ये लहसुन का, ये अच्छे से भुनना चाहिए। ये अच्छे से भुन गया तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छे से ये मसाला देखिए मेरा भून रहा है, ये मैं सिम पे भून लेती हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से भून जाए मेरा, कच्चा ना रहे, तो मैं तो बहुत अच्छे से भूनती हूँ। तब तक प्याज मेरे ब्राउन कलर के ना हो जाए ना तब तक मैं भूनती रहूँगी। ये देखिए आपको शोर होगा ऐसा है, इसका टेक्सचर ऐसा है, अभी थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा ना तब ये अच्छे से भून जाएगा। एंड ये ना अपना घी छोड़ जाएगा, मतलब इन द सेंस तेल छोड़ जाएगा, तो ये अच्छे से भून गया। और देखिए मैं अभी मसाला भून रही हूँ एंड मैं दो तरीके से बनाती हूँ छोले, एक तो छोले को उबाल के बनाती हूँ एंड देन उससे एक छोले उबाल के बनाती हूँ, एक छोले इसमें मसाले में भून के छोले डालूँगी, उसका भी फ्लेवर गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एंड वो बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। अगर आप वुमेन सर्विस वाली हैं, आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी बनाने हैं छोले एंड ऑल, तो आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं, वैसे ही राजमा बना सकते हैं, ऐसे वाइट छोले बना सकते हैं, सफ़ेद चना होता है उसको भी ऐसे बना सकते हैं। बट मैं तो दोनों तरीके से आपको सिखा दूँगी, आज तो मैं जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा आज लेट हो गया है, 9:30 बज रहे हैं यहाँ पे रात के 9 एंड मुझे जल्दी से बनाना है एंड फिर तो मैं चाह रही हूँ कि इधर से मेरी सब्जी रेडी हो जाए, उधर से मैं फुलके बना लूँगी अपने। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, शो रहा होगा, तो देखिए गाइस अब मेरा प्याज ना थोड़ा ब्राउन कलर का हो गया, आपको शो रहा होगा, थोड़ा ये डार्क ब्राउन हो गया, तो मैं इसमें ना नमक मिर्च अपना डाल देती हूँ तो वो भी साथ में इसके साथ ना भुन जाएगा। तो थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा नमक डाल चुकी थी, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा ना हो जाए, मैं हल्दी डाल रही हूँ उसमें एक स्पून, ठीक है, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है, रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने, हमें कश्मीरी मिर्च डालूँगी थोड़ी सी, ठीक है, कश्मीरी थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, फिर इसको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए अब ना ये तेल छोड़ने लग गया है कुकर को, मतलब इन द सेंस देखिए अब कुकर को अच्छे से छोड़ने लगा है, मैं आपको दिखा, अच्छे से ना भून चुका है, ठीक है, आपको दिख गया होगा ये तेल छोड़ने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने टमाटर, मैं आपको एक बार और हिला के दिखा देती हूँ, ठीक है, तो ये तेल छोड़ चुका है, डाल दूँ ये मेरा मसाला, मैंने इसमें टमाटर डाल देती हूँ, अच्छे से इसको भून लेती हूँ, ठीक है,
इसमें टमाटर का रस है ना सब एक बार हिला के इसमें डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से। ठीक है, हमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी अपनी, क्योंकि हम वेस्ट करेंगे, वेस्ट होने की बात नहीं होती आई। अच्छे से जब भून जाएगा तो फिर मैं इसमें और ठीक है, तो फिर जब हम और पानी डाल देंगे तब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी और, मुझे कम लग रही थी क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना कलर आना चाहिए गाइस, और कलर नहीं आएगा तो फिर सब्जी का मज़ा ही क्या होगा, आपको पता ही है कलर मेन भी होता है। तो फिर अब मैंने डाल दिया इसमें, देखिए आपको शो कर देती हूँ मैं एक बार, ये मसाला मेरा अच्छे से भुन गया। देखिए बैक कैमरे से भी मैं आपको शो कर दूंगी एक बार, तो अच्छे से ना ये मसाला भुन गया मेरा। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा, तो जब ये और भुन जाएगा फिर हम और डाल देंगे। थोड़ा सा लगा लिया है गरम मसाला, ठीक है, मसाला डालने के बाद फिर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अगर आप इसमें खड़े मसाले डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती क्योंकि गरम मसाला ना मेरा बहुत हाई पावर का है, मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर है, उसमें तेज सब कुछ मिक्स है, और मेरी मदर ना उसको गरम मसाले को घर पे ही बनाती है, तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया। तो ना एक्चुअली क्या है, मेरी मम्मा ना घर पे ही उसका मसाला बनाती है गरम मसाला, तो उसमें सारे ही मतलब जब वो मैं डालती हूँ ना तो वो एकदम ऐसा लगता है कि बहुत सारे खड़े मसाले डाल दिए, तो मैं खड़े मसाले डालती हूँ तब जब मैं गरम मसाला नहीं डालती, तो मैं गरम मसाला इसलिए डाल रही हूँ अब क्योंकि उसी से सारे फ्लेवर आ जाए मेरे, तो इसको अच्छे से भुने देते हैं। मसाला भुन गया है, आपको शोर हो गई है, अच्छे से एकदम भुन चुका है, ब्राउन कलर का हो चुका है, तो अब मैं इसमें मैं डालने वाली वॉश कर लिया, आपको शोर होगा, ये देखिए, तो अच्छे से छोलों को मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से, अब इनका पानी मैं निकाल देती हूँ, ठीक है, जब मैं ऐसे ऐसे करके छोलों को ऐसे करके डाल दूंगी, तो ये देखिए अच्छे से मसाला मेरा भून चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ छोलों में। एक्चुअली छोलों में पानी डालने से ये होगा कि फिर मैं छोलों को डालूंगी, ठीक है, तो मैं इसमें पानी ये ले लिया मैंने, अब मैं पानी इसमें डाल दूँगी, ठीक है, अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि तली वाले ही अच्छे लगते हैं,
सूखे में बनाते हैं हम लोग, बट वो कभी कभी नवरात्रों में बनाते हैं जब माता रानी के वो आते हैं दिन नवरात्र। अष्टमी हमारे घर में ना अष्टमी पूछी जाती है, तब बनाती है मेरी मम्मी सूखे छोले चने, ठीक है। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, अंगई सच सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ये ना खुद ही बनाना सीखा है। मम्मी को देखती थी, अपनी बहनों को देखती थी, वो बनाती थी, एंड उनको देख देख के मैं खुद सीख गई। एंड मुझे सच में कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं बनाती रहती हूँ चीज़ें अपने, कभी मम्मा बनाने देती हैं कभी नहीं, तो फिर वो बोलती हैं बहुत टाइम लगाती हो, वीडियो बनाती हो एंड ऑल, तो फिर इसलिए। बट ये है कि मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिंग हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी आगे जो फैमिली आए सास ससुर, वो भी मुझे सपोर्ट करें, बस मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, एक्चुअली ना पानी से नमक कम हो गया होगा, थोड़ा सा और नमक, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ, हरा मिर्च कम हुई तो, अब थोड़ी सी ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐसा, वैसे तो मैं डाल चुकी हूँ बट फिर भी थोड़ी सी ना डाल देते हैं, ठीक है। कश्मीरी लाल थोड़ी सी डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, एंड अब मैं रेडी हूँ इसको सीटी लगवाने के लिए, ज़्यादा तो जितना पानी बचा है इसमें मैं डाल दी। तो गाइस ये ना बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब कलर भी अच्छा ना अच्छा है, एंड देखिए मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया है, एंड देखिए मैं आपको इसमें शो करती हूँ, ये मेरे छोले मैंने डाल दिए छोले, अब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी, इसको अच्छे से हिला दिया हमने, ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगी सीटी, तो अब मैं सीटी लगाने के लिए तैयार हूँ। गाइस अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ, ढक्कन सॉरी, मैं इसका लगा देती हूँ, एक प्लेट गिर गई थी तो मैंने इसका ढक्कन गाइस लगा दिया है, एंड अब मैं इसको सीटी के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो ये अब सीटी लगने को तैयार है, इसकी सीटी बन जाएगी थोड़ी देर में, एंड जब ये बन के रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको शो करूँगी कि ये कितने लजीज बने हैं, इतने यम्मी बने हैं एंड टेस्टी बने हैं। तो इस वीडियो को ऐसे बने रहना, कुकर ठंडा हो गया है एंड अब मैं उसको देखती हूँ कि कैसे बने, एंड कलर वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड अच्छे से उबल भी गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा प्लेट में रख के दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही गर्म है अभी कुकर, अभी ही ठंडा हुआ है मेरा, ये देखिए कितने अच्छा कलर दिया है। तो ये अच्छे से ना गल गए हैं गाइस, देखिए अच्छे से गल गए हैं, मैं आपको फ्रंट टाइम से दिखाना, अच्छा कलर आया है इसका, और ये ज़्यादा गाढ़े भी नहीं है और ज़्यादा पतले भी नहीं है, मीडियम है, और इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है छोलों का, ठीक है। तो अब हम आपको शो हो रहा होगा अच्छे से, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि अब बज रहे हैं रात के 10, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, अब मेरे छोले बन के रेडी हो गए हैं, तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है गाइस, एंड आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता ही। ओके बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, लव यू ऑल।